Hello everyone, welcome or welcome back to my channel, those who are new. This video is all about day 3 of Jaipur. So day 3 mein majority humne do places cover ki thi jo humari miss ho chuki thi, or else we would have covered Jaipur in 2 days only. मॉर्निंग में अराउंड 9 बजे हमारे रूम से नज़दीक में था सोढ़ानी स्वीट्स, जो काफ़ी फेमस है जयपुर में. तो हम चलते चलते निकले और बीच में ग्राउंड में हमने ये एक्टिविटी होते हुए देखी. सो सुबह का ब्रेकफास्ट हमने सोढ़ानी स्वीट्स में किया था. एज़ यूजुअल हमें कचौरी ट्राई करनी थी तो वो हमने की थी. सो वी कैन कम्पेयर द बेस्ट टेस्ट. ये मिर्ची वड़ा था जो फुली फिल्ड विथ पोटैटो फीलिंग था, और उसमें मिर्ची के बाहर फीलिंग था पूरा. इट वॉज गुड, यू शुड डेफिनेटली ट्राई. कुछ अलग लगा मुझे, गुजरात में होता है वैसा नहीं था. एज़ यूजुअल दाल कचौरी हमने ट्राई की थी, विच वॉज ओके, उतनी अच्छी नहीं लगी. गेवर था बट अनफॉर्चुनेटली हमको पूरा नहीं लेना था, सो वी डिडंट ट्राई दिस. बट नेक्स्ट टाइम अगर हम जाते हैं देन आई विल डेफिनेटली ट्राई. स्वीट्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी स्वीट्स थी. अच्छी तो ठीक है पर टेम्पटिंग थी, तो वो देख के मुझे खाने का मन किया और मैंने 2-3 चीज़ें ट्राई कर ही ली. तो ये था रसगुल्ला, और उसके साथ हमने ट्राई किया था चीना टोस्ट और इंद्रानी करके स्वीट थी. एग्जैक्टली नाम तो नहीं याद है मुझे, पर मैं बिल अटैच कर देती हूँ सो यू कैन सी द नेम एज वेल एज द रेट्स. अभी स्वीट की बात करें तो स्वीट्स वेर गुड, काफ़ी अच्छी थी. शुगर ही नहीं थी, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ शुगर. सो आई वुड रिकमेंड टू ट्राई दी स्वीट्स एट सोढ़ानी स्वीट्स डेफिनेटली. फिर हम निकल पड़े हमारे एम्बर पैलेस की ओर. नीरोज इज़ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट इन जयपुर, अगर आप जाते हो तो डू ट्राई. जल महल आइसक्रीम भी ट्राई करना, हमारे पास टाइम नहीं था तो हम नहीं कर पाए. अगेन लस्सी वाला हमने एक लास्ट टाइम ट्राई कर लिया था रास्ते में आया, तो क्योंकि मुझे पता था इट क्लोजेज एट 4 PM और शायद फिर कभी मुझे वो ट्राई करने मिले या ना मिले अंटिल वी वेर इन जयपुर. देन अगेन द वे वॉज थ्रू बापू बाजार. आज हमने सोचा कि हम उबर करके जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर कोई ट्रैवलिंग इशू होता है कि नहीं. तो हमने उबर की थी और हम 157 या 160 में पन्ना मीना का कुंड पहुंच गए थे, जो काफ़ी सारा डिस्टेंस मतलब है फ्रॉम द सिटी इटसेल्फ. तो वो हमें बहुत चीप रेट में पड़ा, पर आगे हमें काफ़ी इश्यूज हुए थे, वो मैं आपको बताऊंगी एज वी मूव अहेड. पन्ना मीना का कुंड एक नॉर्मल ऐसे स्टेपवेल जैसी जगह है, ज़्यादा कुछ नहीं है. दिस इज़ द ओनली थिंग विच यू विल सी ओवर देयर. सो लेटर ऑन वी वेंट टू एम्बर पैलेस, जो बहुत नज़दीक में था. और पैलेस में जाते जाते हमें वहाँ से अनफॉर्चुनेटली जीप लेनी पड़ी, जो 500 पर पर्सन थी. तो अगर आप प्राइवेट कार करके जाते हो देन यू विल गेट एम्पल ऑफ टाइम, आपको जितना समय पैलेस में गुजारना है आप गुजार सकते हो. पर हम जीप करके गए थे, द पर्सन कंटिन्यूसली कॉल्ड अस कि आपके 2 घंटे खत्म हो गए, आप वापस आ जाओ करके, पर नहीं हुए थे हमारे 2 घंटे. सो इरिटेटिंग हो जाता है. सो आई वुड प्रेफर टू डू अ पर्सनल कार, प्राइवेट कार, इफ़ यू ट्रैवल टू पैलेसेस ऑन द टॉप. क्योंकि थोड़ा ऊपर जाके आपको कोई कार नहीं अवेलेबल होती, आपको कंपलसरी जीप ही लेनी पड़ती है, विच कॉस्ट अराउंड 500 पर पर्सन. कॉस्ट इज़ ओके पर टाइमिंग नहीं मिलता उतना. पैलेस में हमने गाइड किया था, विच कॉस्टेड अस ₹400. ये था उनका टर्किश बाथ, मतलब राजाओं के टाइम पे कैसे पानी गर्म होता था, यहाँ पे लकड़ियाँ रखते थे और गर्म होता था पानी, ये उनका बाथ टब था. दिस वॉज दी पैलेस, जहाँ पे ऊपर की ओर जो 3 खिड़की है वहाँ पे रानियाँ खड़ी रह के राजा का स्वागत कर रही है. यूज़ टू थ्रो दी पेटल्स एंड फ्लावर्स फ्रॉम द टॉप, मतलब वो टाइम पे राजा और रानी उतना नहीं मिला करते थे. हाउ प्रिटी एंड अमेजिंग इट लुक्स. ये है शीश महल जिसमें राजा विंटर्स में रहने आते थे, और यहाँ पे ऊपर मिरर्स थे. अगर आप फ्लैश डालते हो तो वो आपको स्टार की इफेक्ट देता है. यू विल सी कि यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स शाइन कर रहे हैं. वेल द गाइड वॉज वेरी हेल्पफुल, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू टेक अ गाइड अलॉन्ग, भले पैसे देने पड़ते हैं पर पूरी जानकारी मिल जाती है. इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई थी, जैसे कि दिस प्लेस इज बिंग शोन इन जोधा अकबर. तो ये वो जगह है जहाँ पे रानियाँ राजा के स्वागत के लिए ऊपर से फूल डालती थी. जैसे कि मैंने डे 2 वाले वीडियो में बोला था कि नाहरगढ़ फोर्ट और एम्बर पैलेस दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको एम्बर पैलेस से नाहरगढ़ फोर्ट दिख जाता है और नाहरगढ़ फोर्ट से एम्बर पैलेस. ये जो बड़े बड़े यूटेंसिल्स है वो राजा यूज़ करते थे, वो वाले नहीं है.
वहाँ पे लोग आते हैं उनको ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो वेसल्स राजा के हैं, बट वो यूटेंसिल्स जोधा अकबर मूवी के शूटिंग में यूज़ हुए थे और वो शूटिंग के बाद वो वहीं पर छोड़ के चले गए। फिर हम गए थे मानसून पैलेस, जहाँ पर राजा और रानी गर्मियों में रहने जाते थे। दिस इज़ कॉल्ड एज मानसून पैलेस। कहा जाता है कि राजा और रानी यहाँ पर गर्मियाँ बिताने आते थे या फिर बारिश के मौसम में रहने आते थे। एक ऐसे सिस्टम क्रिएट की थी जिसमें बारिश का पानी ठंडी हवा फेंकता था और बाकी सारा पानी गार्डन में चला जाता था। सो इट वॉज अ यूजेज ऑफ वाटर एज वेल एज एयर बींग प्रोड्यूस। ये राजा की 9 रानियाँ थी, उनके कमरे थे अलग अलग, और फिर बीच में सारी रानियाँ मिलके खेलती थी या समय बिताती थी। फिर हम गए थे पैलेस के एक छोटे से पोर्शन में जिसमें शॉप्स थी बहुत सारी, ऑथेंटिक चीज़ें आप बाय कर सकते थे, और वहाँ पे परफ्यूम की शॉप भी थी एज़ पर गाइड। वो बहुत मतलब खुद बनाया गया था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था। फिर आपको एक जीप के थ्रू एक ट्रस्ट में लेके जाएंगे। ट्रस्ट का शॉप है जहाँ पर प्रिंटिंग होता है और सारी चीज़ें मिलती है। दोज थिंग्स कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द आउटसाइड मार्केट, सो यू कैन बाई फ्रॉम आइदर ऑफ द प्लेसेस। बाहर ये छोटे से फरसान के सारे शॉप्स थे कई सारे। फिर हम एम्बर पैलेस घूम के नीचे आ रहे थे और रास्ते में हमने लक्ष्मी स्वीट एंड फरसान देखा, जहाँ पे बहुत भीड़ थी। सो वी थॉट टू ट्राई द कचौरी इज देयर, विच वाज ओकेश। और फिर हम चल गए थे सिटी पैलेस। दैट वाज द ओनली लास्ट थिंग दैट वाज लेफ्ट ऑन द लिस्ट। सिटी पैलेस को सारे अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि बीच में था टेक्सटाइल पोर्शन, साइड में था एक फ्रेम वाली पूरी म्यूजियम की जगह, दूसरा था उनका असेंबली हॉल। सिटी पैलेस के एक पोर्शन में करंटली जो राजा है वो रह रहे हैं, और दूसरे पोर्शन को एयरबीएनबी में कन्वर्ट किया गया है, विच इज़ क्वाइट कॉस्टली। मैंने रेट देखा तो लैक्स में था। दिस इज मीन्स द असेंबली हॉल, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं और लोग इकट्ठा होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लोरिंग्स इन सिटी पैलेस आर मेड इन सच अ वे ताकि रानियाँ यहाँ पे व्हीलचेयर में बैठ के घूमा करती थी, बिकॉज द ड्रेसेस वर वेरी हैवी एंड द ज्वेलरी दैट दे वोर एज पर द गाइड। फिर हमने सिल्वर के बड़े बड़े पॉट्स देखे, विच वर कॉल्ड एज गंगा जली, और कहा जाता था कि राजा जब लंदन गए थे तब इसमें पानी भर के गए थे। लेटर ऑन वी वेंट टू एक्सप्लोर द अदर पार्ट्स, और फिर एक्सप्लोर करते करते हम एक एक जगह पे आए। दिस प्लेस एक्चुअली, अगर आप बुक रीडर हो तो आपको पता होगा कि ये पार्ट एक बुक के कवर पिक्चर में है। द बुक नेम इज पैलेस ऑफ इल्यूजन्स बाय अरुंधति रॉय। सो बेसिकली पैलेस के चारों साइड पे चार अलग अलग टाइप के डोर्स थे। दे वर सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एंड सो प्रिटी कलर्ड। पैलेस के थोड़े हिस्से में अभी भी रॉयल फैमिली रहती है, एंड अभी के जो राजा है ही हैज़ कन्वर्टेड सर्टन पोर्शन ऑफ द पैलेस एज एन एयरबीएनबी रूम, सो इट इज़ क्वाइट कॉस्टली। सो इफ़ यू आर विलिंग टू विजिट इट और इफ़ यू आर विलिंग टू गो एंड स्टे देयर फॉर अ डे और सो, यू कैन डेफिनेटली बुक इट वाया एयरबीएनबी। Later on, we had the dinner at Govindam restaurant. It was decent. And lastly, we wanted to see the view of night view of Hawa Mahal, and we ended our Jaipur trip with that. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.